2009 27 अक्टूबर में हमारी शादी मोहम्मद जावेद से हुआ। दहेज के मामले में हमका बहुत मारत पीटत हैं, घास लेट डालत हैं जलावे खातिर हमका। ज़्यादातर हम अपने मायके हमका छोड़त हैं ना लिया थे, यही सब बात से हमार मुकदमा चलत रहन। आज हमार तारीख रहन, आज हम तारीख पे आए, हमार अब्बू हमार मामू हमारे साथ में रहन। मुकदमा कोर्ट से बाहर निकले, गेट के अंदर थोड़ा से आस पास में हम अकेल पड़ गए। अकेल पाए के बाद हमका मारन और हमका 3 तलाक दिएन। कौन? जावेद हमार पति। कोर्ट में 3 तलाक दिया? हाँ, कोर्ट ने, कोर्ट के बाहर गेट के अंदर। हाँ, कोर्ट से बाहर हम निकले तो हमका तलाक दिए। हाँ, धमकी दिए कि अब तलाक हो गया बाबा, अब आगे कुछ नहीं, तू अपन देखा हम अपन बस। और हम कम मारन भी। बेटा आपके पास है? हाँ, एक लड़का है हमारे पास साथ में। देखिए, इसने 2 मुकदमा किया था, पति इसका मारा पीटा। तो एक मुकदमा इसने 498/3/4 DP एक्ट में किया, और एक मुकदमा इसने किया मेंटेनेंस का 125 CRPC में, जिसमें एक्स पार्टी हो गई थी, विपक्षी को 60,000 रुपया एक साल का वसूली वारंट है, 128 दाखिल करने आई थी। अभी से अब वो अपने आज मैडम थी नहीं, कोर्ट खाली था, तो मैंने दस्तखत करा करके छोड़ दिया था। ये अब्बू के साथ अपने जा रहे थे, अब्बू कुछ आगे चले गए, मामू कुछ पीछे हो गए, बीच में वो आया, इसको पकड़ा। अब बता रही है कि मुझको मारा, और मारने के बाद कहा कि कितना पैसा चाहिए और तुमको अभी तलाक देता हूँ, और फिर तलाक 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 बोला। अब ये रोती हुई मेरे पास दौड़ करके आई, मैं कोर्ट में जा रहा था 2 तारीख लेने, तो मैं इससे पूछा, लेकिन ये केवल फूट फूट के रो रही है। काफ़ी कुछ समय के बाद तब ये बताई कि मुझे ऐसे ऐसे तलाक दे दिया। तो मैंने कहा कब्बू तुम्हारे कहाँ गए? कहा कि मैं वो आगे चले गए।